अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हम मिलेंगे इमरान साले साहब से, जो कि फार्मर्स चीज़ के सीईओ हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ के पाइनियर्स हैं और पाकिस्तान में किसी जगह पे भी ये सप्लाई करते हैं। आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं या आप वैसे ही अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर रब्ता करें। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप फार्मर चीज़ से 10% डिस्काउंट के ऊपर ऑर्गेनिक चीज़ हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि इमरान साले साहब जो हैं वो चीज़ के बारे में, ऑर्गेनिक चीज़ के बारे में ख़ास तौर पे क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो वक्त निकाला है और ये है कि इंशाल्लाह ये कि लोगों को फायदा होगा आपकी चीज के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ तक मैंने पढ़ा है देखा है, मेरे ख्याल से आप पाइनियर्स हैं ऑर्गेनिक चीज के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा कि अव्वल तो अपना तारुफ करवा दें। मेरा तारुफ फार्मर चीज़ के हवाले से, नाम मेरा इमरान साले है और फार्मर चीज़ कंपनी का मैं इस वक्त ओनर हूँ। ये एक ख्वाब था जो घर से शुरू हुआ था, हम जो किचन में मैंने एक चीज़ मेकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था आज से कोई 8-9 साल पहले। तो उस वक्त तो सिर्फ ये एक शौक का काम था कि किचन में अपने लिए बस एक चीज़, लेकिन जैसे जैसे मैं उस काम में जाता गया वो मेरा पैशन बनता चला गया, मुझे उससे लगाव बढ़ता चला गया। चीज से आपको क्यों लगाव था? क्या बचपन में आपने बहुत चीज खाई थी या क्या वजह, कैसे आपको ये शौक कैसे डेवलप हुआ? नहीं, असल में मैंने काफी अरसा मुल्क से बाहर गुजारा है, कनाडा इंग्लैंड वगैरह में, तो चीज जो था वो शुरू से ही चूंकि मैं खाता रहा हूँ तो मुझे चूंकि वो पसंद थी। मैं जब पाकिस्तान आया तो मुझे मेरे बच्चों को, हमें यहाँ कोई ऐसी एक दो लोकल कंपनियों के अलावा कोई चीज अवेलेबल नहीं थी उस वक्त, और जो लोकल कंपनीज हैं उनका जो हाल है और जो वो प्रोसेस चीज बना रही हैं वो मुझसे कम से कम खाना उनके लिए मुश्किल होता था। तो मैंने वहाँ डिसाइड किया चले अपने लिए कुछ करते हैं। मेरा अपना बिजनेस जो है वो पाइप्स का बरामदा रोड पर मेरा ऑफिस है तो वहाँ पर है, तो मैं वहाँ बैठा रहता था, अपना सर्च करता रहता था। मुझे नहीं मालूम था ये मेरे बिजनेस मेरा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, तो वो उसको सर्च आउट करते करते जब मैंने उसको शुरू किया, फूड शुरू से मेरा थ्रू आउट जिंदगी में जितना भी काम रहा कैनेडा में भी यहाँ भी वो फूड रिलेटेड थे, तो वो मेरा लगाव बढ़ता चला गया। मैंने उस पर ट्रायल करने शुरू किए नहायत नाकामियों के साथ और उसको रोजाना फेलियर्स और रोजाना 20-20, 30-30 लीटर दूध फेंक देना और काफी उसमें सेटबैक्स और नुकसान फाइनेंशियली भी और उसमें, लेकिन बस वो शौक था लगा रहा। आखिर काफी अच्छे बात में काट रही हूँ, ये दूध फेंकने वाले पार्ट पे आपके घर वालों को एतराज नहीं हुआ? कितनी दफा आपने दूध फेंका है? बड़ा झगड़ा होता रहा मिसेस पुरुष, आप किस काम में पड़े हुए हैं, आप सबके अभी मार्केट से ले चीज, आप बस वो मुझे उससे लगाव होता चला गया। और ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया। मैं ये समझ रहा था कि मुझे इस उम्र में अल्लाह ताला ने इस तरफ शायद मुझे कोई गैबी ताइद हासिल थी, मैं उसमें जैसे ही आया हूँ और जैसे मेरे हाथ में चीज बनी है एक मरतबा, वो दिन और आज का दिन मेरे हाथ में दूध आता है और मैं उसको किसी ना किसी आर्टिसन चीज मेकिंग बेसिकली होता है कि आप दूध को एक ऐसी नॉन प्रोसेस क्वालिटी ऑफ चीज में तब्दील करें जिसमें न्यूट्रिशनल हाई वैल्यूज हों, जिसमें आपकी कोई फेक एनालॉग एलिमेंट्स ना हो, और अब नई से नई प्रोडक्ट ला के एक दूध को इमोर्टैलिटी की तरफ ले जाएं। और उसमें चूंकि मेरा वो शौक था, जब मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैंने एक छोटा सा सेटअप लगाया, मैंने कुछ लोगों को भी सिखाया, उनकी भी आजकल कंपनियां हैं और वो भी आजकल छोटे मोटे सिलसिले कर रहे हैं जो कि मजीद एक अच्छी मार्केट में काबिश है। इट वॉज अ डिफिकल्ट जॉब, जो मैं आप समझता हूँ कि नहीं, बाकी ये डिफिकल्ट थी, लेकिन बोला ने मदद की और कुछ वो एक सलाहियत इंसान के अंदर होती है। वो मैंने छोटी सी फैक्ट्री से जब शुरू किया, छोटी सी उसमें किया और मैंने उसमें फार्मर्स मार्केट करना शुरू किया, तो मेरे पास काफ़ी उस वक्त एक अच्छे रेस्टोरेंट्स ने मुझे रब्ता कर लिया जिनको मैं जानता नहीं था, मसलन चीरोस प्रोमोटोरो जो अब बंद हो चुका हुआ है, या मार्टिनीज कैफे, या किचन कुजीन वगैरह, उस वक्त अब तो वो खैर उनके साथ नहीं हो रहा, लेकिन उस वक्त उन्होंने लोगों ने रब्ता किया जो कि एक बड़ा मुझे एक बूस्ट दे के गया और मैंने इसको प्रॉपर अपना एज अ बिजनेस
मैंने सोचा इसको करूंगा. तो विद इन पीरियड ऑफ 8 ईयर्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक अच्छी फैक्ट्री रन कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आर्टिजन चीज मेकिंग के हवाले से सबसे बड़ा एक लीडिंग कंपनी है. हम लोग 40 से ज्यादा वैरायटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलमोस्ट जीरो शुगर और प्रोटीन. देखिए हम चाहते हैं कि लोग नॉन प्रोसेस फूड की तरफ आए, चाहे वो चीज हो चाहे वो कोई और हो. जो चीजें हम बाहर से लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि ये बड़ा इनकी लेबलिंग बड़ी अच्छी है और बाहर जो तो खसूसन चीज और डेयरी प्रोडक्ट्स में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो चीजें दस्तयाब हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है उनकी मार्केटिंग. क्योंकि यहाँ पर एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा यहाँ पर जो होटल बैठा हुआ है उसका काम पैसा कमाना है और जैसे सारे कमाते ही हैं तो उनको इस चीज से नहीं इलम है ना मालूम है कि एनालॉग क्या होता है, नॉन प्रोसेस क्या होता है, इसकी हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट क्या इश्यूज हैं. और वो बस वो चूंकि लोगों को एक हमारी को हम बेसिकली सस्ती चीज कोई भी चीज सस्ती हो उसकी तरफ भागती है ये बगैर देखे कि वो सेहत के लिए मुफीद है या ये है कि नहीं मुफीद है. और चीज एक मेडिसिन एक दवा के तौर पे यूज हो सकती है, इसके अंदर इतनी न्यूट्रिशन है इतने फायदे हैं. और इसके बारे में अब आप बताएंगे कि आप मतलब दूध कौन सा दूध यूज करते हैं और वो उसको आप कैसे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप एनहांस कैसे कर लेते हैं चीज की फॉर्म में. शुरू में जब हमने शुरू किया उस वक्त मैं मार्केट से ले लिया करता था दूध, मुझे इतना इलम कोई नहीं था और हम लोग घर के लिए उसे बनाया करते थे. लेकिन जो जो मैं इस बिजनेस में जाता गया तो मुझे दूध के बारे में जानकारी होती चली गई कि ये अलग एक सब्जेक्ट है और पाकिस्तान में चूंकि अब बदकिस्मती से यहाँ मिलावट और इन चीज़ों का इतना ज्यादा रुझान है कि दूध को हासिल करना भी एक एक जुए शील लाने के मतलब है. बिल्कुल. तो आप बता रहे थे कि दूध जो है वो आप किस तरह करते हैं. जी हाँ, तो इस वक्त हमारा टेस्टिंग फॉर्म से आता है जहाँ पर हम मेक श्योर करते हैं कि ये लोग जो हैं वो इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं लगाते हैं और वो खुद भी ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं जिस हद तक ऑर्गेनिक अच्छा दूध हो सकता है. तो दूध का हम लोग बफलों का अलग लेते हैं, काओ का अलग लेते हैं. बफलों की चीज लेदर बनाते हैं, काओ की लेदर बनाते हैं. और सबसे ज्यादा इसमें चीज मेकिंग के अंदर इश्यूज ही मेन जो रॉ मटेरियल है वो दूध से शुरू होता है. अगर वो क्वालिटी का नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस क्वालिटी चीज. गो के आप उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट में ढाल के ले आएंगे मार्केट में लेकिन वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा. तो हम क्वालिटी पर बहुत फोकस करते हैं हम लोग. मैं बकायदा विजिट करता हूँ उनके फार्म्स का, मैं उनके जानवरों की हेल्थ ऑर्डर्स ये वो सारा कुछ चेक करता रहता हूँ. ऑफ एंड ऑन हमारी टीम है, वो इन सारे कामों को टेक ओवर करती है. हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारा जनरल मैनेजर है, उनका काम यही है कि वो जाके सारी चीज़ों को देखें. हम अपना डेयरी फार्म जो है उसकी तरफ भी काम कर रहे हैं. अभी कुछ अरसे में हमारा अपना ऑर्गेनिक क्योंकि पास्चराइज्ड करने दूध में से सारे उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाती है, उसके जो अच्छे बैक्टीरिया है जिसकी जरूरत है वो खत्म हो जाता है तो वो आउट ऑफ होता है. यूरोप वगैरह में भी सारों में भी ज्यादातर जो ये दूध ये जो चीज वगैरह बनती है वो इसी तरह रॉ मिल्क से ही बनती है. हाँ जी. और ये यहाँ रखते हैं. दूसरा मुझे ये बताएं जो प्रोसेस चीज एडम्स की और बाकी और जो भी ब्रांड्स हैं वो हालांकि सस्ती हैं उसमें और आपकी चीज में क्या फर्क है न्यूट्रिशनली भी और हेल्थ वाइज भी जो. और फिर वो लोग कैसे इतना सस्ता प्रोड्यूस कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनिक चीज जो होती है उसको प्रोड्यूस करने में जितना टाइम और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उसके साथ मतलब उनकी प्राइस रेंज जो है वो बहरहाल काफी वो है काफी कम है इसकी निस्बत जो ऑर्गेनिक चीज इसकी निस्बत जो है. जी हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा. देखिए जिन कंपनियों का आपने नाम लिया ये सारे बनाते हैं प्रोसेस चीज. अब प्रोसेस होता है कि आप एक चीज के अंदर मजीद एलिमेंट्स ऐड करते हैं. मसलन आपने अगर चेडर चीज बनानी है तो उसके लिए पहले आप लेंगे थोड़ा सा चेडर जो कि रियल चेडर वो जो हम बनाते हैं उस टाइप का होगा. फिर उसके अंदर आप एडिटिव्स उसके अंदर आप दूध एक खास उसका एक तरीके का आ रहा है प्रोसेस करने के लिए कि आप मशीनों के अंदर दूध के साथ एडिटिव्स के साथ प्रिजर्वेटिव्स के साथ और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जिसमें ऑयल वगैरह आ जाता है, पाम ऑयल आ जाता है और दो तीन और सोयाबीन वगैरह और डिफरेंट किस्म के ऑयल्स आ जाते हैं उनके साथ प्रोसेस करके उसको एक नई चीज में ढाल लेते हैं जो कि बाहर की दुनिया में एनालॉग कहलाती है और या नॉन प्रोसेस कहलाती है.
अब उसमें चूंकि आपने सस्ती चीजें डाली होती हैं ऑयल, या जिस तरह बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह बाहर की आइसक्रीम्स वगैरह बॉल्स वगैरह आती है, दैट्स नॉट एन आइसक्रीम, दैट्स नॉट इवन अ डेयरी प्रोडक्ट, वो एक डिजर्ट है क्योंकि ऑयल से बनता है। तो यही यहाँ पर भी होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो उस पर इंग्रेडिएंट्स पर नहीं लिखी हुई होती और लोग ये समझ होते हैं कि वो चीज़ है, जबकि उसकी क्वालिटी लो होती है और वो प्रोसेस चूंकि हुई हुई होती है तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स ना होने के बराबर है। क्योंकि अगर आप ऑयल खा रहे हैं तो आप उसे ऑयल को खाकर आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने दूध या दूध की बनी हुई कोई प्रोडक्ट खाई है, लेकिन आपको चूंकि अवेयरनेस नहीं है इसलिए अंदर से आप सेटिस्फाई होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट जो है वो खा रहे होते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि ये बड़ी कंपनी है, सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर में के मुल्कों में भी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो बल्क में प्रोड्यूस कर रही हैं। देखें मेन मकसद उनका है कि अगेन मैं वही कोट करूंगा कि वॉल्स आइसक्रीम है सारी दुनिया में फैली हुई है और आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है, लेकिन दैट्स नॉट एन डेयरी प्रोडक्ट। इसी तरह ये चीज भी मिलती है, इट्स नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट टोटली, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट जरूर है लेकिन 100% नहीं है। ये प्रोसेस्ड आइटम्स हैं और इसमें सस्ती चीजें पड़ी हुई हैं वो कोट करते हैं सस्ता भेजना, फिर बल्क प्रोडक्शन है वो उन चीजों के अंदर उन्होंने और भी है जैसे पैस्टराइज दूध भी है, मक्खन भी है वगैरह वगैरह, ये सब प्रोसेस बन रहे हैं। हम कतन ये नहीं कहेंगे कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आप लोग बाहर से दही लेके खा लें वो ज्यादा अच्छी चीज है बजाय वो जो आप ये आप पैक्स के अंदर आप योगर्ट वगैरह खाते हैं वो कोई अच्छी चीज है, इट्स नॉट द रियल डील। खूबसूरत पैकिंग्स हैं, हाइजीन का आपको लगता है, हाइजेनिक है सब कुछ, वो अपनी जगह पर वैल्यूएबल है, लेकिन एक ग्वाला दूध आपको दे रहा है और अगर वो खालिस है उसका कोई मैच ही नहीं है किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो कि टबों के अंदर या वो ले रहे हैं, वो तो आप टोटल आप एक ऐसी चीज ले रहे हैं जो आपके लिए हेल्थ के लिए भी इश्यूज खड़े करेंगे। लेकिन बहर ये अवेयरनेस की चीज है, हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें, आप भी इसी माशाल्लाह करेंगे इसी फील्ड के अंदर काम, तो लेट्स सी हमारी कोशिशें कितनी बराबर होती है। हाँ जी, नहीं और फिर ये है कि हेल्दी फैट्स या ये सैचुरेटेड फैट्स अगर वाकई हों और फिर चीज़ के अंदर तो प्रोबायोटिक्स और अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी एडेड होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इस वक्त आप किस क्या क्या टाइप्स ऑफ चीज़ेस बना रहे हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स अगर आप थोड़े से बता दें तो वो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि चीज की ऐसा अवेयरनेस नहीं है मासवा ये कि जहाँ पे बहुत बड़ी बूढ़िया जो पनीर का कुछ एक था कॉन्सेप्ट था उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में एक स्टेपल की तरह या उस तरह यूज होता हो जैसे बाहर के मुल्कों में, हालांकि मतलब माशाल्लाह तिब नबी में या रसूल पाक के इग़ज़ाम में चीज एक बहुत बड़ा इनका था और खासतौर पे ये पुराने लोग जिनके पास फ्रिज वगैरह नहीं होते थे वो अपने दूध को इसी तरह प्रिजर्व करते थे, तो अपनी चीजेस की हाँ जी टाइप्स के बारे में और उनके कुछ अगर फवायद के बारे में बताएं तो वो इंशाल्लाह पेशेंट्स या नॉन पेशेंट्स या हेल्दी लोगों के लिए भी इंशाल्लाह एक अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। बहुत अच्छी किया कि बुजुर्ग गुजर चुके हैं वो पनीर, अब भी पनीर बनती है सारी दुनिया में, वो पनीर बनाया करती थी और वो उसको प्रिजर्व करके और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स यू कैन एवर हैव, वो प्योर होता था और घर के दूध से बना करता था। तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि ये चीजें आप खुद भी घर पर बनाएं, खुद भी कोशिश करें अपना, अगर आप बाहर से फोड़ नहीं करते हैं तो घर में कुछ कोशिश करें, इसी तरह ये हल्की फुल्की चीजें बन जाती हैं। हम लोग इस वक्त तकरीबन 40 प्लस वैरायटीज में काम कर रहे हैं और हमारी तकरीबन 10 से 15 चीजेस पाइपलाइन के अंदर हैं जो कि अभी हम 50 टू 60 वैरायटीज में आ जाएंगे। हमारी सारी चीजें जो हैं वो नॉन प्रोसेस्ड हैं, हम लोग नेचुरल तरीके से उसको रॉ मिल्क के साथ उसके अंदर माइक्रोबियल रेनेट्स डालकर और स्टार्टर कल्चर्स जो कि मैं बड़े हाँ, रेनेट के बारे में बताइएगा, रेनेट क्या है? रेनेट एक एंजाइम है जो कि दूध को जेल में तब्दील करता है और उसका तब्दील ये एक जरूरी फेज है जिसको किए बगैर आप दूध को चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस जब ये जेल में तब्दील होता है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक ग्रीक योगर्ट टाइप या ग्रीक योगर्ट तो नहीं, शायद एक दही जैसे एक दही का वो एक आप वो बर्तन जमाते हैं बिल्कुल उस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाती है विद इन 40 मिनट्स। और अब चूंकि इम्पोर्टेड चीज जो आप बाहर से लेते हैं उस पर भी रेनेट लिखा होता है तो आपको बड़ा गौर से देखना होता है कि अगर तो उस पर लिखा हुआ है माइक्रोबियल रेनेट तो आप उसको जरूर खरीदें। मकसद है कि प्रोसेस होना नॉन प्रोसेस होना ये तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो बहरहाल अगर माइक्रोबियल है तो वो हलाल है, लेकिन अगर उस पर खाली रेनेट लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि रेनेट जो है वो
बेबी काफ जो होता है, जो ये बछड़े का अभी वो बच्चा जिसने अभी घास वगैरह नहीं खाई होती, उसके पेट के चौथे लेयर में से निकलता है और वो फिर चीज मेकिंग को वो ये पुराने जमाने में किया करते थे कि इस तरह के दूध को प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के वो टोटके कर लेते थे जिसकी वजह से ये कर्डलिंग हो जाती थी और वो चीज वहां से वजूद में आई। हजारों लाखों साल पहले का मामलात हैं, लेकिन अभी भी वो जो रेनेट है वो एनिमल रेनेट ही यूरोप और बाहर के मुल्कों में यूज किया जाता है उनकी खास स्पेसिफिक टाइप की चीजेस में, जैसे परमाजान हो गई, जैसे गौडा या एक, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उनके इलाकों की चीज है। अगर उसमें वो वेजिटेरियन या वो माइक्रोबियल रेनेट ऐड करेंगे तो वो उसकी रेसिपी के साथ अल्टर हो जाएगा और वो जो नाम और जो उन्होंने उसके बारे में जो एक वो प्रोटोकॉल्स हैं वो अल्टर हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं वो वो यूज़ करते। अब होता क्या है कि उनसे क्राफ्ट वगैरह, क्राफ्ट कंपनी है अमेरिका के अंदर, वो उनसे उठा लेती है और उसको फिर वो ग्रेटेड करके और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ की शेप दे के उसको मार्केट में भेज देती है, जो पाकिस्तान वगैरह में भी आते हैं, आपने देखा होगा बोतलें वगैरह। लेकिन उन्हें अपने वेबसाइट पे बड़ा क्लियर कर दिया हुआ है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो कोशर है, लेकिन जो फार्मासिस्ट हमने मंगवाई है वो अपनी ओरिजिन में काम हुई है, उसके बारे में हमारी कोई गारंटी नहीं। सो अगेन आपका सारा फोकस वहीं पर आ जाता है कि क्या जो फार्मासिस्ट इस्तेमाल हुई थी क्या वो हलाल थी, ये एक क्वेश्चन मार्क था। तो अगर उसमें एनिमल रेनेट था तो जाहिर है कि वो नहीं थी, और ये फिगर आउट करना कि इसमें है या नहीं, ये काफी एक आम आदमी के लिए मुश्किल सब्जेक्ट है। और तो पाकिस्तान में क्या कोई लॉज हैं कि हमें ये पता हो कि ये आपका रेनेट का सोर्स क्या है, या माइक्रोबियल है या वेजिटेबल है या किस कहां से आई है? क्योंकि ये बहुत मैंने आम सुना है, यहाँ पे लोग कहते हैं पार्मेसन चीज जो होती है वो पिग से बनती है, ये इसमें नहीं, कितनी है असली है कितना नकली है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक वायरल सुनने में आया है। नहीं ऐसा नहीं है, जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो रेनेट होता है ये बेबी का जो बछड़े का बच्चा होता है उसके पेट से निकाला जाता है, क्योंकि वो जमीन में नहीं आता, क्योंकि वो उन्होंने अपना उनका तरीका है एक वो जानवर को स्लॉटर करने का, वो उस तरीके से उन्होंने जानवर को किल करके लिया हुआ होता है, तो वो मकरूहात में आ जाता है। और ये तो उलमा ही बताएंगे कितना हराम और हलाम है, मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूं, लेकिन जो हम लोगों से सुनते हैं उसके मुताबिक बताते हैं कि बहरहाल अगर कहीं पर शक शुबा आ जाए तो उस चीज को छोड़ दें। लेकिन आप लोग तो अपना रेनेट यूज कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, हम लोग माइक्रोबियल, अब मैं आपको अच्छा। दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। माइक्रोबियल रेनेट जो होता है ये माइक्रोब से बनता है, ये फंगाई फैमिली का होता है जो एनिमल किंग जो प्लांट किंगडम में आता है, जैसे फंगस वगैरह आप देखते हैं आपको पानी में काई लगी हुई नजर आती है, तो ये इसको म्यूकर में ही एक प्लांट का नाम है, ये उससे भी ड्राइव होता है, और ये माइक्रोब्स वगैरह इसके लिए स्पेशल कल्चर किए जाते हैं। तो जब उसका तल्लक ही नहीं है किसी एनिमल या किसी उस तरफ, तो इसके लिए उसमें हराम और हलाल का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। ये एक प्लांट किंगडम है और ये नॉर्मली बड़े इजीली आप इस्तेमाल भी करते हैं, और सारी दुनिया में इस वक्त इन भी है, क्योंकि यूरोपियंस को भी पता है कि मुसलमान बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो बाकायदा इसको हाईलाइट वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद एक चीज और आ जाती है, वो आ जाती है बाहर की जो चीज बनती है इंपोर्टेड, उसमें वो लोग लिपास LIPAS की एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो भी अगेन बछड़े के पेट से ही निकलता है, जानवरों के पेट से निकलता है, वो किसी भी जानवर के पेट से निकल सकता है, उसमें पिग्स भी हो सकते हैं उसमें, और वो लोग ऐड करते हैं उसका फ्लेवर एनहेंसमेंट के लिए, जो उनके फ्लेवर्स होते हैं, ये देखें उनकी स्किल है, उनके अपने इलाकाई और मजहबी हवालों से है, इसलिए हम इस डिबेट में तो नहीं जाते, लेकिन बहरहाल वो लिपास को जरूर पढ़ लिया करें उसके इंग्रेडिएंट्स में, क्योंकि अगर वो लिखा है तो अवॉइड इट, अगर वो नहीं लिखा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर माइक्रोबियल रेनेट लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन फिर हम पर आ जाते हैं कि प्रोसेस और नॉन प्रोसेस का फर्क। पाकिस्तान में जितनी जाती है जो आप ये देखते हैं बड़े बड़े स्टोर के ऊपर हाइपर स्टार्स पर और बेशुमार जगह पर लगा होता है, आपको किसी का नहीं पता कि इम्पोर्टर जो ला रहा है वो कौन सा ला रहा है, ना उसके ऊपर कोई एक वो टैग लगे होते हैं जो कि लोकली प्रोड्यूस टैग्स हैं, और जब आप वो जब आपके पास एक मुकम्मल डाटा ही नहीं है कि ये कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया, ये पार्मेसान जो है ये पार्मेसानो ये कहाँ से आपने कौन सी सोर्स और कौन से वहाँ से ओरिजिनल लाए कर आए हैं, या आप एनालॉग फेक लेकर आए हैं किस तरह का है, तो आपके लिए हर चीज क्वेश्चन मार्क बन जाती है कि क्या हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक चीज है, क्या ये प्रोसेस है, क्या ये हमारे साथ सस्ती चीज क्यों है। ये देखें यूरोप में एक चीज महंगी है, मैं आपको मोजरेला की मिसाल देता हूँ, अभी मेरा काफी रिसर्च चल रहा था वहां पर मोजरेला के बारे में। पाकिस्तान में पिज्जा बहुत खाया जाता है,
पिज्जा के ऊपर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मोजरेला चीज आ जाती है. मोजरेला के साथ जो थोड़ा सा जाता है वो चेडर आ जाता है. चेडर तो बदकिस्मती से सारे प्रोसेस मिलता है, क्या वो लोकल है और क्या बाहर का है, तो प्रोसेस डालते हैं क्योंकि उसमें वो ऑयल्स वगैरह डले हुए होते हैं, उसमें एमल्सीफायर्स डले होते हैं, इसलिए उनमें वाटर कॉन्टेंट और बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, इसलिए उसका रिजल्ट शायद नॉन प्रोसेस से बेहतर आता होगा, इसलिए लोग उधर भागते हैं और सस्ती, सबसे बड़ी बात है सस्ती होती है. अभी जो पाकिस्तान में जितना भी मोजरेला इम्पोर्टेड आता है, एक दो नामों को छोड़कर बड़े, बल्कि उस पर भी आई एम डाउटफुल, क्योंकि वो नाम भी जो है वो प्रोड्यूस जरूर कर रहे हैं, गो के हमारे पास उसका डाटा पूरा नहीं है. ये सब वेजिटेबल ऑयल्स का बना हुआ मोजरेला है. मतलब आप जब चीज खा रहे हैं और ये सोच के खा रहे हैं पिज्जा कि ये मेरे हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, मैं चीज खा रहा हूँ, तो आप चीज नहीं खा रहे, आप पाम ऑयल खा रहे हैं. बिल्कुल, अच्छी चीज वही है जो सस्ता है. अच्छी चीज आप हमारे ये बड़े रेस्टोरेंट वगैरह कुछ है, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहूंगा, कुछ वो अच्छी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर अवेयर कि अच्छी चीज क्या होती है बुरी चीज क्या होती है, और वो लोग काम कर रहे हैं और अपने लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बाकी जो लोग जो उस तरह के और रेस्टोरेंट आ जाते हैं वो हल्की चीजें इस्तेमाल करके और उसे अपने नाम के ऊपर वो चीजें बेच रहे होते हैं और लोग इजीली खा रहे होते हैं कि इतना बड़ा नाम है रेस्टोरेंट का तो हम जो खाएंगे हम. तो ये बड़ा एक अजीब डिबेटेबल चीज है कि हमारे यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है चेकिंग, हमारे यहाँ अथॉरिटी वाले काम कर बहुत अट रहे हैं, उनकी भागदार और उनका सिलसिला हमारी उन्होंने तब्दील कर दी, लेकिन कोई ऐसे लॉज नहीं बनाए अभी तक जहां पर आपके पास सर्टिफिकेशन, अगर आप बाहर से चीज ले लें, आपके पास हलाल सर्टिफिकेशन, आपके पास एनालॉग और नॉन प्रोसेस चीज के अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो लोग खा रहे हैं उनको ये पता है कि वो क्या खा रहे हैं, ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो लिखे होते हैं हम लिखे या कोई भी लिखे, ये तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये तो लिखे हुए होते हैं, ये तो हर कंपनी लिखती है, हम भी लिखते हैं, सारे लिखते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा अदारा है जो उसको वैल्यू कर सके, उसकी रीप्रोसेसिंग कर सके, उसे रीवैल्यू कर सके और आपको बता सके कि हाँ जो चीज आपने मंगवाई, मुश्किल काम है, मुश्किल काम से हर बंदा भागता है. बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कोई भी हाँ जो आ रही है पाकिस्तान से बाहर से चीज, उसको कोई एनालाइज या नहीं करता, स्क्रूटनाइज नहीं करता, इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो लैब्स उस तरह की मौजूद नहीं है. लेकिन बहरहाल आपके रेफरेंस से मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने जब आज से कुछ साल पहले सबसे पहला मोजरेला आपसे मंगवाया था, तो वो जो पहला मुझे आपने बैच भेजा था ना, वो उसकी स्ट्रिंग्स नहीं बनी थी, और जब मैंने आपको कांटेक्ट किया था तो माशाल्लाह, और मुझे आपके बिजनेस एथिक्स और मोरल एथिक्स जो है ना उनके ऊपर यकीन आ गया था जब आपने आपको मैंने सिर्फ ये बताया था कि उसके स्ट्रिंग्स नहीं बने और आपने मुझे उतना ही एक और बैच फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा था सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा इसके स्ट्रिंग्स नहीं बने हैं. तो ये इस तरह के बिजनेस एथिक्स जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान में. और माशाल्लाह आप पाइनियर्स ऑर्गेनिक चीज़ में भी हैं और मेरे ख्याल से मोरल और बिजनेस एथिक्स जो हैं उसके अंदर भी माशाल्लाह, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपनी चीज़ को आप यानी कि स्टैंड करते हैं, आप यू स्टैंड बाय योर वर्ड कि अगर चीज़ क्वालिटी की नहीं है तो फिर यू ले योर क्लेम कि ये चीज़ ये नहीं थी और हम इसको ये कि कंपनसेट करेंगे. क्वालिटी पे आपका बहरहाल माशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे ये और भी लोगों के अंदर जो है ना ये हो. अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 दिन की गुजारी है तो वहाँ एक चंद सीखें सीखी हैं. वो ये सीखी हैं कि जो फॉरन लोग हैं उनकी मॉरल एथिक्स हमसे बहुत ऊपर है. हमारी क्यों नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारी मॉरल एथिक्स क्यों नहीं अच्छी है. तो ये पहले चीज से पहले दिन से डिसाइड की थी और हमारी कंपनी का ये आज भी नजरिया और हम इसमें मुकम्मल काम करते हैं और इसकी गोई एक नहीं पूरा पाकिस्तान देगा जहाँ जहाँ हमारी चीज़ अलहमदिल्ला से पूरे पाकिस्तान में ही जगह जगह जाती है. आप तो हमारे ग्रुप में हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की आप मेम्बर हैं, हमारे कोई भी जो हमें नहीं जानता अगर वो जरा सी भी शिकायत करते चीज़ की, हम लोग काम करते हैं नीयत से, एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ और लोगों को अच्छी प्रोडक्ट देना चाहते हैं. हम नहीं चाहते हैं वो हमें उस चीज़ के लिए पे करें जो उन्हें पसंद ना आए, या हम खराब चीज़ भेज दें और या उन तक पहुंचते हुए खराब हो जाए या कोई डिफेक्ट हो और वो हम उनका पैसा लें. इस वक्त माशाल्लाह हाँ जी पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के ऑनलाइन अगर आपसे किया जाए तो आप पाकिस्तान में किसी भी जगह के ऊपर सप्लाई कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा. जी हाँ, ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान में, अभी सिर्फ कोयटा हमारे उसमें नहीं है, बाकी तकरीबन तीनों सूबों में हम लोग, कराची तो हमारा मेन हब है इस वक्त, हमारा मेजर शेयर जो है वो कराची में है,
और कराची में हमारी पूरी टीम है, हमारा वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ हमारे शबीर बदरुद्दीन साहब हैं जो हमारे इस काम को देखते हैं, और अगेन ही इज अ बिजनेसमैन और बड़े अच्छे एनर्जेटिक आदमी हैं, और जिस तरह हम लोग पैशनेट हैं वो भी इसी तरह पैशनेट काम कर रहे हैं, तो हमारा सारा सेटअप को वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग यहाँ से उनको चीज़ देते हैं। इवन के कराची से भी अगर हमें शिकायत है वहाँ भी हमारी चीज़ खरीद ले जाती है, गो कि अब ऐसा बहुत कम होता है कि शिकायत है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा हम लोग इस्लामाबाद में हमारा सेटअप है, वहाँ भी एक टीम काम कर रही है, लाहौर तो हमारा हब है, हम यहाँ काम करते हैं। हमारा ज्यादा फोकस पहले दूसरे शहरों में था, अभी रिसेंटली हम लोग लाहौर की तरफ फोकस कर लिया हमने। अब हम सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि देखें ये चीजें प्रोडक्ट्स हमारी अच्छी भी हैं, हम लोग कमर्शियली उनको रेट्स वगैरह भी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ओरिजिनली तो आप लाहौर बेस्ड है ना? जी, मैं खुद लाहौर का हूँ और हमारी कंपनी लाहौर बेस्ड है, और जो है यहाँ पर हम लोग बाकी यहाँ से मुल्तान वगैरह, फैसलाबाद वगैरह, केपी के से हमें ऑर्डर आते रहते हैं, हम भिजवाते रहते हैं। वहाँ हमारी टीम्स नहीं काम करती, वहाँ पर हमारे ऑफिस नहीं है, हम लोग यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और ऑनलाइन हम लोग पेमेंट ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग, हमारे पास स्पेशल स्टरफॉर्म बॉक्सेस होते हैं, स्पेशल हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं, उनको बॉक्सेस हमारे हैं जो उनको टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं तकरीबन 24 आवर्स के लिए, तो हम वो यूज करते हैं। डिलीवरी पे यानी आप सप्लाई कर रहे हैं? तीन शहरों में जहाँ हम होम डिलीवरी दे रहे हैं वहाँ कैश ऑन सप्लाई है, कैश ऑन डिलीवरी है। जहाँ पर हम लोग, हमारी टीम्स काम नहीं कर रही, वहाँ हम एडवांस ले लेते हैं और लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो भेजते हैं, एडवांस भेज देते हैं और हम यहाँ से उनकी चीज डिस्पैच कर देते हैं वाया डेबू या वाया कोई भी ऐसा चल रहा होता है सिलसिला उसके जरिए। तो बेसिकली आपकी ये चीज के जो बड़े लोग कौन, खासतौर पे आप कीटोजेनिक डाइट के अंदर जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, चीज बहुत शौक से खाते हैं, इनफैक्ट लोग कीटोजेनिक डाइट के लिए फॉलो इसलिए करते हैं कि चीज खाने को मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि सिंस माय ओन डॉटर शी इज ऑन कीटोजेनिक डाइट, तो मेरे लिए तो वैसे ही ये लगाव का बन गया, क्योंकि बेटी का मामला आ गया तो उसके लिए मैंने डिशेज वगैरह प्रिपेयर करनी होती है, उसके बारे में सोचना होता है। शी इज यंग, शी इज 15 इयर्स ओल्ड, तो बहुत है इसमें का वो मुझे उसका। फिर हमारे जो ग्रुप आप बैठे लगे थे, फिर हमारा चूंकि कीटो की तरफ मेरा रुझान इसलिए था कि हम लोग चीज ही नॉन प्रोसेस बनाते हैं, लोग मुझसे इन टच होते थे, लोग पूछते थे, क्योंकि हमारी चीज लो कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलमोस्ट जीरो कार्बोहाइड्रेट्स, जीरो शुगर पर होती है और उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, कैल्शियम फैट्स और जो उसके प्रोटीन्स वगैरह वो सब नेचुरल होती हैं, तो इट्स अ स्टेपल फॉर कीटोजेनिक डाइट। कराची में कीटोजेनिक जितना आप लोगों का फोरम्स हैं, आपका प्लेटफॉर्म है या कराची वालों का प्लेटफॉर्म है, आप लोग मुझसे वाबस्ता हैं और आमिर देती हैं, आप लोग हैं, ये सारे हमारे एक तरह के टीम का एक, हमारा बिजनेस नहीं है किसी के साथ भी, लेकिन जाहिर है कि एक वो टीम का हिस्सा महसूस करते हैं। कीटोजेनिक इज अ टफ सब्जेक्ट, और शुक्र है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इसको लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में आप जैसे लोग कामयाब हो गए हैं, या हेल्थ इश्यूज हैं। कीटोजेनिक डाइट जो है ये, अब हम रमजान में कीटोजेनिक ही खा रहे हैं ना, हम शुक्र शाम ऑफ तारीख में जरा उसको परहेज के बगैर निकल जाते हैं। इसमें आप लोग हाई फैट्स लेते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, शुगर को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं ताकि आपका जो है इंसुलिन लेवल जो है वो आपके जिस्म में कम हो जाए, और जिस्म जो है आपका वो उसका जो बैकअप है आपके फैट्स वगैरह को कंज्यूम करना शुरू कर दे, और वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके फैट्स में बर्न होना शुरू हो जाते हैं, और जब फैट्स बर्न होते हैं तो आपके बॉडी पर अच्छा इफेक्ट आता है और आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं। अब चूंकि हमारी चीज, अब कीटोजेनिक डाइट के अंदर सबसे बड़ा इश्यूज जो आते हैं, जो मैंने महसूस किए, वो ये होता है कि न्यू कमर्स के लिए होता है कि हमने खुराक क्या लेनी है। अब उनको खुराक के तरफ से सबसे बड़े इशू, क्योंकि जब उसने रोटी खानी छोड़ दी है, क्योंकि रोटी हमारी जिंदगी का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, हम लोग खाते हैं उसको, जब उसने मीठा लेना छोड़ दिया, दूध लेना छोड़ दिया, फ्रूट्स खाना छोड़ दिया, तो फिर सवाल आता है क्या खाना है। अब जब क्या पर आता है तो फिर वहां पर आपकी लिमिटेशन आती रहती है। आप असल में ये डाइट नहीं है, ये तो एक लाइफ स्टाइल है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। आपने अपने खाने पीने की चीजों में वो चीजें करनी है जो, जैसे आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो वेजिटेबल्स जो है वो आपने वो लेनी है जिसमें स्टार्च नहीं है, जो ऊपर डॉक्टर साहब जो आपका जो आपके जो नॉन स्टार्ची आपके वेजिटेबल हैं जो जमीन से ऊपर उगते हैं, नीचे नहीं होते हैं, उनको आप करते हैं। आप के पास सिवाय वो चॉइस ही, आप चिकन वगैरह ले लेते हैं, बटर वगैरह ले लेते हैं, सारा दिन आदमी ये खाता है, तो आप क्या करें? जिस्म को एनर्जी की जरूरत है। आप नाश्ते में हर वक्त गोश्त नहीं ले सकते हैं, चिकन नहीं ले सकते हैं, आपको दिन में एक आध टाइम ले सकते हैं, बटर में फ्राई कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, सेकंड टाइम क्या करना है, थर्ड टाइम क्या करना है, तो चॉइस के तौर पर फिर वहां पर चीज एक ऐसी आइटम होती है जो आपकी रोजमर्रा की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करती है, आपकी प्रोटीन्स पूरी करती है, आपके फैट्स को काफी हद तक वो कवर कर जाती है, और आपके
ڈیلی نیوٹریشن جو آپ کو ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, لوگ جا کے مارکیٹ سے یہ پروسیس چیزیں اٹھا لاتے ہیں یا پروسیس کوکونٹ لائیں گے یا پروسیس وہ امریکن گارڈنز کی چیزیں اٹھا لائیں گے. اور میں تو لوگوں کو سناتا ہوں, دیکھیں یہ پروسیس چیزیں ونس ان وائل ٹھیک ہے آپ کر لیں استعمال, لیکن اس کو ہیبٹ مت بنائیں کہ اس کے اپنے ہیلتھ ایشوز ہیں. ہاں جی, جب آپ پروسیس, اور پھر اگر آپ نے چیزیں لمیٹڈ کھانی ہے اور وہ بھی آپ پروسیس کھا رہے ہیں تو یعنی وہ پھر ان دا لانگ رن ایک نقصان دہ چیز بن جاتی ہے. ایون آپ کی چیزوں چیزز کے اندر یہ ہلومی ہے اور یہ کچھ ایسی چیزز ہیں جو کہ فرائی ہو جاتی ہیں اور بہت اچھی, یعنی کہ وہ ایک تو کیٹوجینک اس کے اندر بھی بہت اچھی آ جاتی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اگر, ہاں بالکل, ہاں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر کون سی چیزز اور کیسے یوز ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزز ہیں آپ کے پاس جو, اور انفیکٹ یہ میں نے دیکھا ہے یہ باقی کے یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں نا یہ نہیں دے رہے, ریکوٹا ہے یا پیپر جیک ہے, یہ اس طرح برانڈز میں نہیں آ رہی ماشاء اللہ جیسے آپ دے رہے ہیں. اور ایک تو آرگینک ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کی چیز اویلیبل ہے. تو اس میں سے سلیکشن خاص طور پہ اگر کیٹوجینک ڈائٹ ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر رہتی ہیں؟ ہلومی لے کر آئیں, یہ مجھے پکڑا دیں. پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, میں اس پر یہ ہمارے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بڑا سویل, واہ واہ ٹھیک, یہ تقریباً 15 کے جی کا ہے جو میرے لیے اٹھانا جو ہے ذرا تھوڑا سا ایشو ہے, کافی بڑے. ارے ہم اس طرح کے بڑے بڑے ویلز بناتے ہیں, یہ سارے کے سارے کیٹوجینک ڈائٹس کے لیے بہترین ہیں. ہالومی جو ہے, ہالومی از ون آف دا بیسٹ چیزز ان کیٹوجینک ڈائٹس. اس کی وجہ یہ ہے یہ تقریباً زیرو کاربوہائیڈریٹس اور زیرو شوگر کے اوپر ہوتی ہے, چونکہ اس کو ہاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے ہاٹ واٹر کے ساتھ. اور اس میں لیکن ہلومی کے ساتھ اس کی چند پراپرٹیز ہیں جو امپورٹڈ جو آتی ہے اس میں بھی نہیں ہیں, لوکل بھی لوگ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ گرل چیز ہے. گرل چیز کا مقصد یہ ہے, یہ ہماری یہ ہم ہمارا ویکیوم سیل, یہ ہماری ہلومی جو ہے یہ چیز ہے جس کو جب آپ اس کو آپ فرائی کرتے ہیں, اس کو آپ گرل کرتے ہیں یا اس کو آپ آئل کے اندر ڈال کے کوئی اس میں یہ بیٹر رکھ دو, اس میں آپ لوگ نا اس کو فرائی کرتے ہیں. اب فرائی جب آپ کریں گے اگر وہ میلٹ ہو جائے تو پھر وہ ہلومی نہیں رہتی, وہ موزریلا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو بنانے کے خاص اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اس کے پی ایچ ویلیوز کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہوتا ہے, اس کے خاص کلچرز ہوتے ہیں, اس کے ایک خاص قسم کی ایک ٹیکنیک ہے جو ہم نے اس کو نان میلٹنگ چیز بنانی ہے. اب اس کو جب آپ پین پہ گرل کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی براؤن, بہت خوبصورت براؤن ہونا چاہیے دونوں سائڈوں سے, اور جب اس کو کٹ کریں تو یہ ایک میٹ کی طرح کٹ کر دینا چاہیے. میں اپنے گھر میں اس کو پکوڑوں کی جگہ پر آج کل استعمال کرتا ہوں, ہم لوگ بھی کھاتے ہیں تمہیں روزوں میں, خاص طور پہ ایک تو انرجی بہت اچھی ہے, ٹیسٹ بہت اچھا, ٹیکسچر بہت اچھا ہے, پکوڑوں کی کمی نہیں محسوس ہوتی, بہت آسان ہوتا ہے. ہم لوگ میں عام طور پر تو اس کو فرائی کریں, اولیو آئل ڈالیں, تھوڑا سا وہ پنک سالٹ ڈرزل کریں, اٹس اے ونڈرفل ڈش ان اٹسیلف. دوسرا میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایگز کو بیٹ کر لیتا ہوں, اس کے اندر آلمنڈ فلاور جو کہ آپ گھر میں بھی بادام کو گرائنڈ کر کے بنا سکتے ہیں, اور کوکونٹ تھوڑا سا وہ پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ میرا مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کوٹ کر لیتے ہیں, اور کوٹ کر کے میں ان کو فریز کرتا ہوں, ان کو ایک دن پہلے فریز کر لیتے ہیں, اور فریز کر کے ہم نے فروزن اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے. جب یہ فرائی ہو کے باہر نکلتا ہے تو اٹس اے ونڈرفل چیز. ایسے ہی ہم لوگ موزریلا اسٹکس بنا لیتے ہیں, ایسے ہی ہم لوگ سارا کچھ کرتے ہیں. تو اگر خیر بہرحال فرائی اس کو فریز کرنا کوئی ایسا ریکمینڈ یا وہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہو. ہلومی کو آپ فریش بھی بنا سکتے ہیں, فریش بھی کوٹ کر کے بنا سکتے ہیں, وہ ایز اٹ از ہی ہوگا کہ اوپر سے سخت ہوگا اندر سے وہ ڈیلیکیٹ سا ہوگا. تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کیٹوجینک پر ہیں تو ہلومی کو ضرور یوز کریں. اس کو آپ اگر آپ اس کو فرائی نہ کرنا ہو تو آپ اٹ از ویری نائس, اٹ از ونڈرفل, اٹ ہیز اے ونڈرفل فلیور. آپ اس کو اپنے سیلڈز وغیرہ میں بھی بغیر فرائی کیے اس کو ایز اے کاٹیج چیز کے طور پر بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ لیبنیز کاٹیج بنا لیتے ہیں, کاٹیج ہربز اینڈ پیپرز بناتے ہیں جو کہ رو کھائی جا سکتی ہیں, ویسے ہی آپ اس کو ان کا اپنا ایک فلیورس ہیں. ہماری کریم چیز ہے جو کہ اٹس اے ونڈرفل اسپریڈ. ہماری کریم چیز کے اندر 10 ورائٹیاں ہیں. ہم لوگ گارلک پیپر بنا رہے ہیں, چیڈر بنا رہے ہیں, بلو لیگون بنا رہے ہیں, آلمنڈس کے ساتھ بنا رہے ہیں, والنٹس کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو آپ یہ سارے اسپریڈس کے طور پر صبح جو ہیں وہ اپنے اس میں بریک فاسٹ میں یا سحری کے ٹائم پر استعمال ایزیلی ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے لو کاربوہائیڈریٹس اور ہائی فیٹس ہیں, اور فیٹس بھی وہ فرینڈلی فیٹس ہیں. صرف فیٹس ہونا یا فیٹس لکھا ہونا بہت نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے فیٹی چیزیں کھا لی ہیں, تیل کے اندر ڈبو کے ہم نے چیزیں بنا لی ہیں. اگر وہ فرینڈلی فیٹس نہیں ہیں تو
आपको फायदे की बजाय इन द लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत आपने पते की बात की है, बिल्कुल सही बात। ऑयल्स भी यूज करें तो कोशिश करें मार्केट से जब आप ऑयल्स वगैरह लेकर आए तो ब्रांड्स देख लिया करें कि कौन से ब्रांड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोशिश करें कि वेजिटेबल ऑयल से अगर आपको थोड़ा सा निजात मिल सके और आप देसी घी पर चले जाएं तो फिर वही बात, महंगे हो जाते हैं देसी घी तो घर में हो जाता है ना। मलाई का निकालें, हम लोग भी करते हैं, सारे करते हैं, आप भी निकालती होगी कि घर में दूध अच्छा आता हो और उसकी मलाई निकल आती हो, इट मेक्स अ वंडरफुल वो एक मक्खन, मक्खन बनाना मुश्किल नहीं है। ये भी हमारी फ्रेश प्रोडक्शन जो भी ये हमारा हम इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। ये आज 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 अभी बना है हमारा पेपर जैक, ये आज अभी बना है, अब ये हमारे केव्स में जाएगा, हमारा कोल्ड स्टोरेज है, अभी ये 3 महीने के लिए इनिशियली ये उसमें जा रहा है खास टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद हम इसे एक अगले टेम्परेचर पे करके और इसको हम मजीद 3 माह जो है एजिंग करेंगे, और फिर ये जो है एक पेपर जैक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी अच्छा हम पेपर जैक ला कर आप फिर देंगे खाने के लिए। वो मुझे पेपर चेक वगैरह का वहां से ना वो दो हैं। और दूसरी चीज में जो उसमें इसमें हलूमी के साथ साथ अगर आप लोग फ्रेश बफलो मोजरेला, एक बहुत अच्छी डाइट है अगर आप सुबह उसको लें, इट्स लाइट ऑन हार्ट, बहुत लाइट सा होता है, बहुत इजीली है, ये पिज्जा वगैरह में मेल्ट होकर इतना स्ट्रिंजी होता है कि यू विल एंजॉय द स्ट्रिंग्स, और इसका पासिंग कोई नहीं है, इसके फ्लेवर का उसमें स्ट्रिंग्स हो या ना हो लेकिन उसका फ्लेवर आउट क्लास, जस्ट अनबीटेबल, लेकिन होना चाहिए बफलो मोजरेला। अब हो क्या रहा है, ये हमारी अभी पैकिंग्स एक सुपर स्टोर्स के लिए तैयार हो रही हैं, जो कि अभी हम लेबलिंग करेंगे सारा कुछ जो है वो करें। ये हमारा पेपर जैक है जो भी मैंने आपको एक बड़ा व्हील दिखाया था 20 केजी का, ये उसमें से फिर ये इस तरह के हमारे पीसेस बनते हैं। तो वो जब आप जो मोजरेला है इट शुड बी प्योर बफलो मोजरेला, फिर बात वही है कि कौन करेगा कहाँ से आएगा, तो FCM है वो हम तो देंगे ही देंगे, लेकिन मार्केट्स में अवेलेबल है, इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दैट्स काउ मिल्क। काउ मिल्क पर अगेन वहां आ जाता है कि दैट्स अ मोजरेला इन ब्राइन, बोकनचीनी इट्स प्योर बफलो मोजरेला बाइट्स इन ब्राइन, उसका अपना एक फ्लेवर, अपना एक टेक्सचर, वो आपके इटालियन डिशेज में भी जाता है, वो आपका वैसे भी खाने में, उसको ऑलिव ऑयल ड्रिजल करें, उस पर थोड़ा सा सॉल्ट, सी सॉल्ट, लेकिन कीटो में सी सॉल्ट नहीं होता, उसमें एक पिंक सॉल्ट होता है, वो उस पर डालें और इट्स अ डिश इन इटसेल्फ, और उसको इस्तेमाल करें। तो खैर हमारे पास वैरायटी चूंकि इतनी बड़ी है, आप चीज़ खाएं, मेरी जिंदगी में आप जिंदगी में चीज़ का इस्तेमाल रखें, शहद, चीज़, ऑलिव ऑयल, दीज आर ऑल सुपर फूड्स, और ये सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के हिस्से थे और उनको पसंद थे। अब मुझे याद है मैं पढ़ा करता था कि एक सहाबा जब मदीना में जब वो यहाँ से हिजरत करके गए हैं तो महाजर अंसार का जब एक वो हुकूमत कायम की गई तो उनको जब ऑफर की गई कि आप हमें, हम आपको इस तरह अपने घर में और अपने जायदादों में हिस्सा देते हैं फिर, तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा आप मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखाएं, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। और उन्होंने पनीर बनाई थी, वो पनीर लेके मार्केट में गए थे और पनीर से अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि वो खुद वहां पर एक बहुत एक मशहूर और एक काफी वो उन्होंने एक बड़ा इससे कारोबार करके एक, तो उसी से मैं बड़ा मोटिवेट होता हूँ कि अल्लाह ने इस काम में इतनी बरकत दिया कि अगर हमारे सहाबा ने ये काम किया तो ये ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्नाइज्ड ही कोई वो हम लोग चीज लेकर आ रहे हैं कि जैसे हम पैंट शर्ट समझते हैं कि पैंट शर्ट जो है ये गोरे का कल्चर है, हम किसी के कल्चर से कोई इख्तलाफ नहीं करेंगे, लेकिन ये टर्की का सूट जो है वो टर्की का कल्चर है, ये वो टर्की है। और फिर जो आपकी चीज के अंदर सबसे अच्छी बात है ना वो ये पैशन से बनी हुई है, ये इवन अब ये आपने पैकिंग जो दिखाई है ये नहीं है कि एक रेल के ऊपर चल रही थी और वो डिब्बों में पैक हो गई, ये हर चीज के ऊपर इंडिविजुअल हाथ से स्टिकर लगा हुआ होता है और खुद पैक्ड होती है, और आपने बजाते खुद जिस पैशन के साथ ये काम शुरू किया, आपकी स्टोरी जो है वो मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ी थी, माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग है, और मेरे ख्याल से इतने जौक शौक के साथ कोई भी काम बंदा शुरू करे तो अल्लाह ताला उसके अंदर बहरहाल बरकत डालता है, और ये है कि और ये बहुत कम लोगों में ये पैशन, ये कि जो काम वो कर रहा है पैशन के साथ हो। मैं अस्मा बताऊं मेरा इसमें इतना पैशन इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा, और ये कुदरत की तरफ से हुआ है। मैंने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अल्लाह ने आपसे लेने होते हैं कि मैं वो मैं कोई ये मेरे इख्तियार में नहीं है, यहाँ से ऑफिस से सारे चले जाते हैं, मैं घर जाने के बाद फिर यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं बाद दफा छुट्टी वाले दिन में सारा सारा दिन ऑफिस में बैठा हूँ और वहां पर भी मेरा सारा दिन चीज के साथ ही काम है, इसलिए नहीं है। बिजनेस तो अल्लाह ताला ने मुझे दो दो दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, जिंदगी में अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है,
लेकिन वो मेरा उसमें पैशन ऐसा होता है, उसकी नई प्रोडक्ट्स बनाना, उसकी नई चीजें बनाना, उसकी फिर क्वालिटी कंट्रोल करना। और मैं अपने इन बच्चों का जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे पास तकरीबन 14-15 लोग हैं जो हमारे इस पैनल पर काम कर रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। वो एज अ टीम मेरे पास ऐसे भी हैं जो जब से मैंने शुरू किया था, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ उस वक्त के लगे हुए हैं, कुछ नए आए, कुछ लड़कियां मेरे पास वर्कर्स हैं, वो इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ और इतनी जस्तजू के साथ मेरे साथ काम करते हैं। हमारे GM है, हमारे अकाउंट सेक्शन है, वो सारे दे पुट देयर एफर्ट्स अपने काम में। हम ये चाहते हैं कि हम इस काम को पाकिस्तान में इसलिए फैलाएंगे, इसलिए नहीं फैलाएंगे कि उसमें हमें पैसा और दौलत मिलेगी। वो तो देखिए उसका आफ्टर इफेक्ट है, वो तो आएगा, पर बहुत चल के आएगा। हम लोग रिस्क तो आपका चल के आएगा, इसमें शक नहीं है। हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना चाहते हैं, हम अलमराए कंपनी की तरह पाकिस्तान को एक नाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान शुड बी प्राउड ऑफ FCM फार्मर चीज मेकिंग। हमारे ब्लॉग अमेरिका में छपते हैं, हमारे ब्लॉग बाहर के मुल्कों में छपते हैं, हमें बुलाया जाता है, मुझे अक्सर एम्बेसीज वगैरह में बुलाया जाता है जहाँ पर मैं एम्बेसडर के साथ बैठता हूँ, गपशप करता हूँ, उनको अपनी चीज के बारे में बताता हूँ और दे गेट अमेज के आप लोग बगैर मैं सेल्फ टॉट हूँ। बस वो अल्लाह का एक एहसान था कि चीज़ हाथ में आती है तो मुझे मालूम है कि इसके साथ करना क्या है, इसको किस प्रोडक्ट में कैसे डालना है और कैसे करना है, गो के मुझे इसके बारे में मालूम नहीं थी। लेकिन वो चूंकि मैंने कहा बात सिलसिले ऊपर से चलते हैं, इंसान का अख्तियार नहीं होता, ये अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी रखा हुआ था, वो चल पड़ा है। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, हम लोग का नची। और कुछ अरसे में आप लाहौर में देखेंगी हमारा एरा शुरू होने वाला है, क्योंकि अब हम फोकस हो गए, हम बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर आपको नजर आना शुरू हो गए, एक्सेसिबल हो जाएगा, आपको जरूर नहीं होगा आप हमारे पास आएंगे लेने के लिए, आपको चंद ऐसे बड़े सुपर स्टोर पर हमारे वहां पर काउंटर्स और लाइव काउंटर्स और ये लगे हुए नजर आएंगे कि आएंगे उस वक्त करेंगे। तो अभी काफी सारे हैं हमारे साथ जो हमारे साथ कर रहे हैं, हम दो तीन के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली 2-4 महीने का प्रोसेस है, वो सारा कुछ इकट्ठा होकर सामने आ रहा है। हम लोग बहुत उस पर काम कर रहे हैं, हमारे डेली हमारे ऊपर है काम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वहां पर उनके साथ कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सारा कुछ। ये बहुत सारी चीजें अभी एकदम 1-2 माह के अंदर अंदर आपके सामने आएंगी और लोगों को इजी हो जाएगा। अगर किसी को ये होता है कि जी केजी से ज्यादा या आधी केजी से ज्यादा नहीं हमें बेच सकते, हमारे लिए इशू आता है महंगा, तो जस्ट गो टू दैट स्टोर, पिक दैट स्टफ 200 ग्राम 250 ग्राम और ले जाएं, एक आइटम आपको घर में मिल गया, आप 1-2 दिन 3 दिन बड़े अच्छे उसमें निकल जाएंगे, बजाय कि हम यहाँ से, क्योंकि वो हम यहाँ से 250 या 100 ग्राम या 150 ग्राम नहीं, हमारे वहाँ लाइव चीजें लगी होंगी, आप जाएं वहां से लाइव वहीं पर फ्रेश चीज उठाएं, फ्रेश चीज लें और चले जाएं। और इट्स इन द पाइपलाइन, इंशाल्लाह आप लोगों को ये सहूलियात हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो करें बहुत, हाँ जी माशाल्लाह से बहुत इन्फॉर्मेटिव आपका रहा है सेशन जो है, बहुत सारी चीजें, हाँ जी नहीं पता एक दिया वो भी, हाँ जी बिल्कुल। एक पैगाम आपकी तौसत से आपकी ऑडियंस को और जो इन लोगों को ये देख रहे हो या जिनको ये पैगाम पहुंचेगा, मैं बताऊँ कि देखें हम लोग पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एंड वी आर प्राउड व्हाट वी आर डूइंग। हम नहायत ईमानदारी से काम करते हैं, सिर्फ ईमानदारी से चीज नहीं बनाते, हम पैकिंग से लेके लेबलिंग से लेके सर्विस, कस्टमर सर्विस तक हम हर चीज में ईमानदारी से काम करते हैं। और यहां तक कि अगर हमारे हाथ से चीज नीचे गिर गई या इवन कि उसका लिफाफा गिर गया, उस लिफाफे में चीज नहीं पैक होगी, हम वो चीज हम खा के आपको नहीं देंगे। ये हमारी हमारा एक स्ट्रगल मोटो है, आप लोग नहीं देख रहे हैं लेकिन हमें पता है कि जो देखने वाला है वो हमें हर वक्त देख रहा है। तो एक तो इस चीज पे बिलीव रखिएगा कि हम लोग जो चीज आपको देते हैं 100% ऐसे देते हैं कि शायद आप घर में उस मेयार पर, उस सफाई से और उस तरीके से ना बना सकें। दूसरी चीज ये है कि सपोर्ट योर लोकल कंपनी। हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करने चले हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो और हम प्राउडली उनको बताएं कि हम पाकिस्तान हम लोग वो काम कर सकते हैं जो सारी दुनिया में उनसे अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे वहां भी भाई बहन बैठे हैं जिनको हलाल चीजों की प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग उनको भी ये चीज पहुंचाएंगे, आज नहीं पहुंचाएंगे तो ये कल हो जाएगा। सपोर्ट हमें आप चाहिए, एनालॉग्स को छोड़ दें, इंपोर्टेड बहुत अच्छी होंगी लेकिन हम उनसे बेहतर हैं, आप हमें चांस दें, हमें करें, हमारे साथ खड़े हों, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, हमारी तरक्की आप लोगों की वजह से, हम अकेले कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सपोर्ट है हमें और उसके बाद आप लोगों की सपोर्ट है जिन लोगों ने हमें आज तक साथ दिया, जो आज तक हमारे कस्टमर्स हैं यहाँ लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान KPK में। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल, हमें आप लोगों ने आज तक आपके ताबून से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और आपकी मोहब्बतों से पहुंचे हैं। तो वी वॉन्ट दिस सपोर्ट, हम चाहते हैं सपोर्ट फैले, हम चाहते हैं हमें आप लोग हम जहाँ पर हमें इसलिए सपोर्ट करें कि हम एक अच्छा काम लेकर आए हैं और अच्छे काम की प्रिजाई हो। और बहुत शुक्रिया आपका, कोई और चीज़ हाँ
हाँ जी, नहीं बहुत शुक्रिया आपका। एक तो माशाल्लाह से आपने ये डील किया है कि जो हीलिंग हिजामा क्लिनिक से आपके पास रेफरेंस है, मेरे डॉक्टर आसमा के रेफरेंस आएगा, उसको आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। माशाल्लाह बहुत फराख्तीली से, बहुत ईमानदारी से, और बहुत क्या मैं कहूँ, अप टू मार्क जो चीज़ है, चीज़ एक लेवल जो है ना, वो माशाल्लाह आपने सेट कर दी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी के, इनफैक्ट जो लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ पे फख्र होना चाहिए कि यू वर द पाइनियर्स, आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया है और आपने इस चीज़ को फैलाया है और बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे बहुत खुशी है जो लोग हमसे दो चार ऐसे हैं जिन्होंने लेकर काम शुरू किया है और दे आर डूइंग वेरी नाइस वेरी गुड। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने काम से मोहब्बत करें, अपने काम में ऑनेस्टी रखें। अगर जरूर बिजनेस जरूरी है जिंदगी के लिए, कारोबार से रिजक मिलते हैं, रिजक से घर चलते हैं, वो जरूरी है, लेकिन रिजक हासिल करने के लिए शॉर्टकट मत ढूंढे। अल्लाह ताला जो है वो ऑनेस्टी का और का बड़ा एक रिवॉर्ड देता है जो आपके दिल से और आपकी ऑनेस्टी से निकली होती है। ऐसी चीज मत लाए मार्केट में कि आपके नाम की वजह से या जिस पर आपके नाम की वजह से वो चीज लोग ट्रस्ट करके ले लें और आपको पता हो कि ये आर्टिसन नहीं है, इसमें आपने कोई अपनी काविश नहीं की हुई है, कोई प्रोडक्ट लेके आपने एक बिल्ड कर ली है या कोई ऐसी फेक चीजों को लेके आप अपना वो करके ले आए। क्योंकि जब काम बढ़ते हैं, लोग फॉलो करते हैं, तो ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। वो लोग भी हैं बीच में जो मतलब है कि बिजनेस करने के लिए या पैसे कमाने के लिए, तो उनको डिस्करेज करें, उन्हें कहें नहीं, इट्स नॉट राइट, ये आप कोई क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं, आप तो मार्केट से पकड़ रहे हैं चीज उसको कर रहे हैं। तो वो लोग भी हैं, हम उनसे इन टच हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये ना करें। बाकी जो लोग कर रहे हैं अच्छा काम, वी अप्रिशिएट दैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप, आप करते रहें, हम आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे, हमें भी बरकत दे और सब जो है हम मिलके एक चीज, एक कल्चर चेंज करेंगे, लोगों को अच्छी चीज पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ऐसी हमें द पानियर, हम एक मदर कंपनी है तो कोशिश करेंगे हम वही रोल अदा करें। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी मालूमात का, आपकी काविशों का, अल्लाह ताला मजीद बरकत डाले। और तो ये हमने देखा कि इमरान साले साहब ने बताया कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बेस्ट चीज़ेस कौन सी हो सकती हैं। इनके साथ रابطہ करने के लिए जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें दिया गया है। इनकी वेबसाइट और इनकी फेसबुक का जो लिंक है वो भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। और अगर आप चाहें तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक जो है उसको विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद है, उसके ऊपर आप इंशाल्लाह हमें ज़रूर ज्वाइन करें ताकि हम आपको तिब्बे नबवी, कीटोजेनिक डाइट और मज़ीद हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह शेयर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।